यूपी का गाजीपुर जिला, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों पर कुर्की की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की 4 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र में 3 संपत्तियों को कुर्क किया, जबकि मोहम्मदाबाद थाना में ईंट के भट्टे की कुर्की की गई है। कुर्की की गई सारी प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी के चचेरे भाइयों मंसूर अंसारी, मिस बाहुद्दीन और उनकी पत्नियों के नाम थी। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत मुख्तार अंसारी की इन बेनामी संपत्तियों को सीज कर दिया है। गाजीपुर का एक गैंग लीडर है मुख्तार अंसारी, उसके गैंग के सदस्य हैं मंसूर अंसारी, उनकी तथा उनकी पत्नी के द्वारा कुछ संपत्तियां अर्जित की गई थी जो सदम रूप से बेनामी रूप से मुख्तार अंसारी की संपत्तियां हैं जो, और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा है, उसके तहत उसकी बेनामी संपत्ति के रूप में 14(1) के अंतर्गत आज 4 संपत्तियों का कुर्क की गई है माननीय जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर। उनमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो मोहम्मदाबाद तहसील यहाँ की है, वहाँ पर है, और 3 प्रॉपर्टी शहर गाजीपुर के अंदर हैं जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 4,40,00,000 आकी गई है, जिन्हें आज कोर्ट किया गया है। इसके अलावा सर कर्मदीन के क्षेत्र में एक उपाय है जिनको पत्थर के बड़े आरोप हैं, कई और संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? करीमुद्दीनपुर थाना पर एक ठगी का मुकदमा लिखा हुआ था, एक और अन्य मुकदमा भी लिखा हुआ था जिसमें उपेंद्र नाम का एक अपराधी उसमें वांछित था जो कि अपनी गिरफ्तारी से काफ़ी दिन से बच रहा था। गाजीपुर पुलिस द्वारा उस पर 15,000 का इनाम था, आज उस अपराधी को भी 15,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी पर पूछताछ के बाद पता चला है कि यहाँ के अलावा लखनऊ के विभिन्न थानों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है और सुसंगत धाराओं में इसे जेल भेजा जा रहा है और अग्रेतर कार्रवाई जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।